गुलाम सरवर खान साहब का जो खानदान है इस इलाके में काफ़ी मकबूल भी है, फिर उनका ताल्लुक पीटीआई से है जो मकबूल तरीन जमात है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले में आप परफॉर्म कर सकेंगे? कोई उम्मीदवार मुझे आप दिखा दें, आपने बहुत इंटरव्यू किए जो कह के मैं मेरिट पर वोट मांग रहा हूँ, कोई इमरान खान के नाम पर वोट मांगेगा, कोई मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर वोट मांगेगा, कोई जरदारी साहब के नाम पर वोट मांगेगा, कौन सा उम्मीदवार है जो कहे मैंने टेक्सला के लिए ये करने की कोशिश की है या मेरे पास ये मसाइल का हल मौजूद है, आपको मेरे लिए कोई नाम नहीं मिलेगा। इवन के हमारे सामने इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े, हम यहाँ के तो हम उसके मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमें अपनी कारकर्दगी पे नाज है। कि जो लोग समझते हैं कि आप किसी के वलीमे पे चले गए हैं, जनाजा पढ़ लिया है, ये काफ़ी है, मेरे भाई ये काफ़ी नहीं है, ये काम तो मस्जिद के इमाम साहब सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर मस्जिद के पेशवाम को आप वोट दे दें, सारे जनाजे वो पढ़ा उन्हें इलेक्शन में खड़ा होने, उन्हें खड़ा कर दें हम इलेक्शन में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर अली शाह साहब, जो कि सूबाई असम्बली से उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं हल्का PP-19 से, तो इनसे हम बात करते हैं। शाह साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल पिक बैक का और आपने हमें बोलने का मौका दिया जी। जब कॉलेज लाइफ हमारी बिल्कुल स्टार्ट हुई है 2009 में, तो उस टाइम यहाँ पे एक जमूत था, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो बार बार बारियाँ लग रही थी, और काफ लीग का जो था उसमें थोड़ा सा उस टाइम नई एंट्री हुई थी। कोई सन आप बता सकते हैं आपको अगर सही याद हो तो? जी बिल्कुल, मैं आपको 2009 का बता रहा हूँ कि सन 2009 की जो दिसंबर है उसमें हमने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, जब यहाँ पे टोटल मेरा ख्याल है 10 से 11 लोग थे, जिनमें ख्वाजा इम्तियाज़ साहब, आसफ़ ज़ियाद साहब, मंसूर सिद्दीकी साहब और आम 7-8 नौजवान थे। ये 2009 दिसंबर की बात है। आपने पहला इलेक्शन कब कंटेस्ट किया और क्या उसका रिस्पॉन्स आया? जी 2018 का जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन जो 25 जुलाई को कंडक्ट हुआ है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी वहाँ से 2018 जून में फ़ारग़ तहसील हुआ हूँ, मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की वहाँ से कंप्लीट हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 20-25 दिन का गैप था, सिर्फ कागजात ही जमा करवाने का हमें टाइम मिला था, और हमने प्रॉपर जो 8 जिन कौंसिल तहसील टैक्सला की हैं और 4 जो पिंडी के हमारे साथ शामिल हैं, हमने सिर्फ वहाँ जगह अपना तारुफ कराया था सिर्फ, और टैक्सला शहर और कुछ जगहों पर। अभी जो हमारा इलेक्शन है जो 2018 जुलाई से लेकर 2023 मई जहाँ आज हम खड़े हैं, हमने 5 साल आवाम को ये चीज़ बताई है कि असल जो उम्मीदवार का इलेक्शन है वो इलेक्शन के बाद शुरू होता है, कि आपने इलेक्शन टू इलेक्शन जो 5 साल दरमियान में है वो आपने किस तरह गुजारे हैं, क्या आप सिर्फ दुआ फातह करके आवाम को बता रहे हैं कि जी मैं दुआ फातह वाला उम्मीदवार हूँ? दुआ फातह करना अच्छी चीज़ है, हमारी समाजी जिम्मेदारी है, लेकिन दुआ फातह को मजहबी टच दे के, सियासी टच दे के कि मैं दुआ कर रहा हूँ शाह साहब और मेरी टीम फ़ोटो बना के अपलोड कर रही है जी शाह साहब के घर दुआ करने आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये लोएस्ट लेवल है, हमें इससे ऊपर खेलना चाहिए। तो हमने तहसील टैक्सला की आवाम के साथ दुख सुख में, चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो बिजली के बिल का मसला हो, चाहे गर्ल्स कॉलेज का मसला हो, ओवरहेड ब्रिज का मसला हो, टैक्सला में ग्राउंड्स का ना होना हो, सकाफत का मसला हो, टूरिज्म का मसला हो, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तालीम की कमी है, यहाँ पर दरसगाहें मौजूद नहीं है, नए स्कूल ही बने 40 सालों से, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज टैक्सला शहर के अंदर मौजूद था, वो टैक्सला के कोने में जो जहाँ से इस्लामाबाद शुरू हो जाता है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा शाह जी, अब जो इलेक्शन आ रहा है तो आपको अपनी आवाम से क्या उम्मीद है कि ये आवाम आपको सपोर्ट करेगी और आप इस इलेक्शन में जीत सकते हैं? जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल हर उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है, तो मैं सिर्फ लेकिन कुछ लोग इलेक्शन हरवाने के लिए भी लड़ते हैं मुखालिफ पार्टी। जी वो तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है, और सियासत में दरवाजे किसी के लिए आप बंद नहीं कर सकते। तो जो आपका सवाल है वो यही है कि आप देखें कि जो आवाम है 1980 की देखी जो सियासत थी वो बदल चुकी है, आजकल हर नौजवान के हाथ में एंड्रॉयड है, वो देख रहा है कि सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, मार्केट में, ग्राउंड में कौन बंदा काम कर रहा है। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि आप किसी के वलीमे पे चले गए हैं, जनाजा पढ़ लिया है, ये काफ़ी है, मेरे भाई ये काफ़ी नहीं है, ये काम तो मस्जिद के इमाम साहब सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर मस्जिद के पेशवाम को आप वोट दे दें, सारे जनाजे वो पढ़ा उन्हें इलेक्शन में खड़ा, उन्हें खड़ा कर दें हम इलेक्शन में, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे भाई। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्या चीज़ वहाँ पे डिलीवर की है 5 सालों में। ठीक है, आपने आप ये भी देख रहे हैं कि आप टैक्सला से PP-19 से उम्मीदवार हैं, जबकि एक ख़ानदान, मैं प्रॉपर नाम लूँगा कि गुलाम सरवर खान साहब का जो ख़ानदान है इस इलाके में काफ़ी मकबूल भी है, फिर उनका ताल्लुक PTI से है जो मकबूल तरीन जमात है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले में आप परफॉर्म कर सकेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरे हल्के की जो रूह है या जिसमें मुरूसियों ने झगड़ा हुआ है, जिसको मेरे हल्के की रूह को आपने उस पर सवाल किया, और ये सवाल होना चाहिए। देखिए मैंने ये पहले एक दफ़ा एक दोस्त ने इंटरव्यू किया था, उसको मैंने ये बात बताई थी
कि जिसको अपनी कारकर्दगी पे नाज है कि जी मेरी 5 साल की ये कारकर्दगी और मैं मेरिट पे वोट मांग रहा हूँ। कोई उम्मीदवार मुझे आप दिखा दें, आपने बहुत इंटरव्यू किए हैं, जो कहे कि मैं मेरिट पे वोट मांग रहा हूँ, कोई इमरान खान के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगेगा, कोई दादाई साहब के नाम पे वोट मांगेगा? कौन सा उम्मीदवार जो कहे मैंने टेक्सला के लिए ये करने की कोशिश की है या मेरे पास ये मसाइल का हल मौजूद है? आपको मेरे अलावा कोई नाम नहीं मिलेगा। क्यों? कि उनके पास वो अंदर से खोखले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों को दिखाते हैं, हमारे पास लेक्सस है, हमारे पास BMW है, हमारे पास RD है। वो क्यों दिखाते हैं? कि उनके पास दिखाने के लिए और चीज़ नहीं है। जिनका आपने नाम लिया है वो तो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, वो आज़ाद लड़े हैं, वो काफ लीग से लड़े हैं, वो तरीके इंसाफ में अभी तक, अल्लाह जाने कि वो अगले इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे ये शायद उनको भी नहीं पता। ठीक है, मैंने ये इशारे में बात कर दी है, वो किस पार्टी से लड़ेंगे ये बात की बात है, लेकिन हमारे सामने जो भी उम्मीदवार हो, इवन के हमारे सामने इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े, हम यहाँ के तो हम उसके मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमें अपनी कारकर्दगी पे नाज है। अब वक्त बदल चुका है, अवाम धड़े बरादरी से निकल के मेरिट पे वोट देना चाहती है। अब दुआ फातिहा गमी खुशी ये चीज़ें अलग हैं। आप मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, आप मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली हैं, आप बताएं कानून सदी क्या की है आपने 5 सालों में? आप इलेक्ट होके गए हैं, आपने क्या कानून सदी की करवाई अपने इलाके के लिए? जी मैंने गली बनवाई है, मैं नाली, यार ये काम तो काउंसलर के हैं। अब काउंसलर से जाके आप पूछे आपने किया, वो कहता मेरा तो बोर्ड पे नाम भी नहीं है क्योंकि ये उन्होंने बड़े MNA साहब ने नाम लिख दिया है। तो मेरे भाई मैं आपके तो असद से जो आपके माशाल्लाह हज़ारों देखने वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप बेशक मुझे वोट ना दें, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, लेकिन आपने वोट उसको देनी है जहाँ पर आपका ज़मीर मुतमिन हो। आपने पसंद नापसंद को वोट नहीं देनी, आपने मेरिट को वोट देनी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जिस दिन मेरे समेत, आप समेत, जो 24 करोड़ हमारी अवाम है और जो 13 करोड़ हमारा वोटर है, 15 करोड़, जिस दिन उस अवाम ने मेरिट पे वोट देना शुरू कर दी। अच्छा शाह जी, मैं बिल्कुल आखिर में अब कुछ नाम आपके सामने लूँगा और उनके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और नाम भी इसी इलाके के मैं लूँगा। पहला नाम मैं लेता हूँ गुलाम सरवर खान साहब। गुलाम सरवर खान साहब ग्रास रूट लेवल से ऊपर गए हैं जी, वो सीनियर पॉलिटिशियन हमारे हल्के के, उन्होंने मेहनत की है। आगे ये अलग बात है कि उन्होंने अपने हल्के के लिए डिलीवर नहीं किया या उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, वो ग्रास रूट लेवल से गए हैं। हाँ जी, उमर फारूक साहब। हाँ जी, उमर फारूक साहब मेरे मलेदार हैं जी, हमारा पहले एक ही मला था, वो बाहर GT रोड पर शिफ्ट हो गए, हम उधर अपनी पुरानी आबादी में रहते हैं, वो भी हमारे गुजर बरादरी से हैं, हमारी मतलब जो गुजर बरादरी टेक्सला की वहाँ उससे बिलोंग करते हैं। मैं अगर खिदमत की बात करूँ तो मुख्तार आपका सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर तहसील टेक्सला के किसी ने काम किया तो उसका नाम चोरी निसार अली खान है। अच्छा, मैंने अगला नाम यही लेना था। मुझे समझ आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं ना मेरे भाई, तो आप खुल के पूछें। आप एक तरफ चोरी निसार अली खान के नाम रखें, एक तरफ सारे नाम रख दें। अच्छा। मैं उनकी पार्टी से नहीं हूँ, उनके धड़े से नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच बात करनी चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ सच बोलना चाहिए। मेरिट पर अगर मैं समझता हूँ किसी बंदे ने, अप टू स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको कंपेयर करें टू एज कम्पेयर टू रेस्ट, अगर किसी बंदे ने काम किए हैं तहसील टेक्सला में, वो आपका गर्ल्स कॉलेज हो, वो आपका वहाँ जनरल हॉस्पिटल हो, वो आपका तहसील जो कम्प्लेक्स बनाओ, जुडिशल कम्प्लेक्स बनाओ वो हो, आपके जो बड़े बड़े काम हैं, जो ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, मैं कितने गिनवाऊँ आपको, जो टेक्सला बॉयज़ कॉलेज बना हुआ है, जितने बड़े नाम हैं, मैं इतमाही कामों की बात कर रहा हूँ, गली नली की बात अच्छी नहीं लगती किसी की बात करूँ, वो सारे काम चोरी निसार अली खान के एक साइड पर, ये सारे मिल के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। चले लास्ट में नाम लूँगा मलिक तैमूर मसूद अकबर। मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब नौजवान सांसदान है जी, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारा उनके साथ पार्टी का तल्लुक तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे उनके साथ ज़्यादा तल्लुकात हैं, उनके छोटे भाई के साथ तल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे इमर्जिंग स्टार हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एक दिन नेशनल असम्बली कंटेस्ट करेंगे, नेशनल असम्बली कंटेस्ट करके वज़ीर बनेंगे, और जो टेक्सला की हमारी महरूमियाँ हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो नहीं की हैं, मुझे यकीन है कि वो वाकंट से लड़का मुंतखब होकर तहसील टेक्सला पे जो है यहाँ आके डिलीवर करेगा, और अगर हमें मौका मिला उनके साथ काम करने का तो हम उनके साथ लाजमी काम करेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।